Watch till the end. Assalamu alaikum everyone. Welcome back our channel. क्या मैं मस्ती? आज की अच्छी बात में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत प्यारी हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स उस शख्स को देखे जिसको माल में और जमाल में फजीलत हासिल हो, तो वो उसे भी देखे जो उससे कमतर है, जिस पर खुद उसे फजीलत हासिल है। ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। इस हदीस मुबारका का ये मफहूम है कि जब हम अपने से किसी खूबसूरत को या किसी बेहतर को देखें, तो हम उसको देख के ये हसरत करें कि ये इतना खूबसूरत है, हम इतना खूबसूरत क्यों नहीं है, इसके पास ये चीज़ें हमारे पास ही चीज़ क्यों नहीं है। मैं बच्चा हूँ तो मैं बच्चों के लिहाज से बात करूँगा कि अगर हम किसी के पास अच्छा बैग देख लेते हैं, किसी के पास ज्योमेट्री देख लेते हैं, किसी के पास स्मार्ट वॉच देख लेते हैं, किसी मेरी एज के पास हम मोबाइल देख लेते हैं, तो हम उससे ये हसरत करते हैं कि ये उसके पास चीज़ें हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। अगर कोई बहुत खूबसूरत है तो मैं उसको देख के ये हसरत करूँ कि अल्लाह ने उसको इतना खूबसूरत बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर हसद पैदा करती हैं। और हसद के बारे में मैं आप लोगों को एक और हदीस मुबारक बताऊँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी। हसद से बचने के लिए ये हदीस मुबारक के दूसरे हिस्से में ये बताया गया है कि अपने से कमतर को देखो, ऐसे लोगों को देखो जिनके पास वो सब चीज़ें ना हो जो मेरे पास है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के पास इतनी नेमतें देखें, किसी को अपने से बेहतर देखें, किसी के पास खूबसूरती देखें, तो उससे खुश हो, ना कि हसद करें। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने में सक्सेसफुल रहा हूँ। इतनी प्यारी हदीस पे एक लाइक तो बनता है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं एक और अच्छी बात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।